हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो है वो यूज़ होता है एग्जामिनेशन करने के लिए मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया का। इसमें हम एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड लेते हैं बैक्टीरिया का और प्लेस करते हैं थिन कवर स्लिप में, फिर उसके बाद हम उसे प्लेस कर देते हैं कॉनिकल कैविटी, उस ग्लास स्लाइड पे प्लेस कर देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। मेथड इसका ये होता है कि हमें क्लीन ऑयल फ्री ग्लास स्लाइड लेना है जिसमें कैविटी हो, मतलब कि वो ऐसा हो। हमें लेना है क्लीन ऑयल फ्री ग्लास स्लाइड विद कैविटी। तो ग्लास स्लाइड हमारा ऐसा होगा, इसमें ये जो है ये हमारा कैविटी है, लाइक दिस दिस विल बी आर ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड ले लिया और एक कवर स्लिप लेंगे, एक कवर स्लिप ले लेंगे। फिर हमें अप्लाई करना है पैराफिन वैक्स ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ कवर स्लिप। ये हमारा कवर स्लिप जो है इसके फोर कॉर्नर्स पे हमें पैराफिन तक फोर कॉर्नर्स पे हमें पैराफिन वैक्स का अप्लाई करना है। फिर टेक अ फ्रेश बैक्टीरिया कल्चर ग्रोथ इन ब्रॉथ मीडियम। अब हमें वो जो एक ब्रॉथ, एक जो ऐसे ब्रॉथ मीडियम होता है पेट्री डिश में जिसमें कल्चर ग्रोथ होता है, तो उसमें से हमें फ्रेश बैक्टीरिया का कल्चर लेना है। फ्रेश बैक्टीरिया कल्चर कैसे लेंगे, एक हम स्टराइल इनोकुलेशन लूप लेंगे, कुछ ऐसा हमारे एक स्टराइल इनोकुलेशन लूप होता है जो आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, ये हुआ स्टराइल इनोकुलेशन लूप। अब इससे हम ये कल्चर ग्रोथ लेंगे, फ्रेश बैक्टीरिया कल्चर ग्रोथ। फिर टेक आउट लूप फुल ऑफ कल्चर मीडिया। अब हमने वो उसमें इनोकुलेशन लूप उसमें डाला और फिर उसमें से फ्रेश कल्चर ग्रोथ ले लिया, फिर उसके बाद उसे हम प्लेस कर देंगे। ये जो हमारा फोर कॉर्नर्स था जिसमें हमने पैराफिन वैक्स लगाया था, अब हम इस पर टेक आउट लूप फुल ऑफ कल्चर एंड प्लेस ऑन द सेंटर ऑफ द कवर स्लिप। अब हम वो जो कल्चर ले रहे थे अब वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, सेंटर पे प्लेस करना है हमें। और सेंटर पे प्लेस करने के बाद हम अब टेक द स्लाइड ऑन द ड्रॉप। अब हम वो जो हमारा स्लाइड था ऐसे कॉनिकल स्लाइड जो हमारा था, अब वो हमें इसके ऊपर लगाना है, ये जो है इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स करना है कि ये जो हमारा कैविटी है ये फिल हो जाए हमारा। द प्लेस द स्लाइड ऑन द ड्रॉप इन सच अ वे दैट द कैविटी कवर्स द ड्रॉप। तो कैविटी अब कवर कर लेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि वो कॉनिकल स्लाइड ऐसे प्लेस कर देंगे, ऐसे प्रेस करेंगे तो कैविटी जो कवर कर देगा ड्रॉप को। अब ड्रॉप को कवर करने के बाद हमें वो जो ग्लास स्लाइड था हम उसे इन्वर्ट कर देंगे और हम इसमें देख सकते हैं कि वो जो ड्रॉप है वो हैंग कर रहा है। नाउ यू कैन सी अ ड्रॉप हैंगिंग ऑन द कवर स्लिप। कवर स्लिप पे वो ड्रॉप जो है वो हैंग कर रहा है। ये जो हमारा कैविटी था कुछ समथिंग लाइक दैट। के बाद ये जो हमारा कवर स्लिप था, मतलब आप देख सकते हो कि कवर स्लिप पे हमारा कैविटी इस तरीके से हैंग करेगा। इसके रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं, मतलब रिज़ल्ट जो है वो हमें बताता है कि मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताता है, शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताता है, अरेंजमेंट और उसके साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताता है। और इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि मोबिलिटी, मतलब द टेस्ट रिज़ल्ट इस पॉजिटिव व्हेन मोबिलिटी इज विजिबल इन सैंपल। अगर उस मतलब कि ये जो हमने अभी किया ये सब, अगर इसमें मोबिलिटी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब सब सही है। हैंगिंग ड्रॉप मेथड आपको दिखाई देगा। थैंक यू।